अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झज्जर में बना ये पुराना किला और बुआ हसन के नाम से जाना जाने वाला ये तालाब आज भी प्रेम से जुड़ी उन यादों को ताजा कर देता है जो एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की याद में बनवाया था। अब तक आपने प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से तो बहुत सुने होंगे। अनेकों प्रेमियों ने अपनी प्रेमिकाओं की याद में भव्य इमारतें या ऐसी अनोखी चीज़ें बनवाई जो आज भी जीता जागता उदाहरण है ताजमहल। लेकिन हम आपको एक ऐसी प्रेमिका के बारे में बताएंगे जिसने अपने प्रेमी की याद में एक ऐसे तालाब का निर्माण करवाया था जो आज भी प्रेम की निशानी बना हुआ है। ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। आखिर कौन थी वो प्रेमिका और क्या है इस तालाब के पीछे का रहस्य, इन्हीं बातों को जानने के लिए और इसी बात से रूबरू कराने के लिए आज हम पहुंचे हैं उस तालाब पर जहां हम आपको वो तालाब भी दिखाएंगे और उससे जुड़ा रहस्य भी हम आपको बताएंगे। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको उस तालाब पर। प्यार की एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई लेकिन परवाह नहीं चढ़ सकी। ऐसी प्यार की लाखों कहानियां हैं जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। आज हम आपको ऐसी ही एक प्यार की कहानी से रूबरू करा रहे हैं जो शुरू तो हुई लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो तालाब है जहाँ वो प्रेमी और प्रेमिका मिला करते थे, जिसने प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की याद में ये तालाब का निर्माण करवाया था। झज्जर और सिलानी के बीच हुई एक प्यार की ऐसी अनोखी कहानी जो अमीरी और गरीबी से ऊपर उठकर शुरू हुई लेकिन उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। बात आज से करीब 380 साल पहले की है। राजा मुस्तफा की बेटी जिसका नाम बुआ हुआ करता था, एक दिन वह जंगल में घूमने के लिए निकली थी अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर। बुआ जैसे ही जंगल के बीच पहुँची तो वहाँ पर घात लगाए बैठे एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। बुआ ने शोर मचाया जिसकी आवाज सुनकर वहां पर लकड़ियां काट रहा हसन नाम का एक लकड़हारा बुआ की जान उस आदमखोर शेर से बचाता है। बस हसन की इसी बहादुरी पर ही फिदा हो जाती है बुआ। लकड़हारा हसन घायल बुआ को एक तालाब पर लेकर जाता है जहां पर राजकुमारी बुआ का दिल उस लकड़हारे पर आ जाता है। फिर इसके बाद हसन बुआ को उसके घर छोड़ने जाता है। राजा मुस्तफा उस लकड़हारे से बहुत ही प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आप यहीं पर रहिए और आज की रात हमारे ही राजमहल में गुजारिए। अगले दिन जब राजा मुस्तफा ने खुश होकर लकड़हारे हसन से पूछा कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो हसन ने राजा से बुआ का हाथ मांग लिया। राजा मुस्तफा भी उसकी बात मान गए। इसके बाद बुआ और हसन का प्यार परवान चढ़ने लगा और वह दोनों उसी तालाब पर मिलने लगे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बुआ और हसन का प्यार परवान चढ़ने ही लगा था, राजा मुस्तफा ने लकड़हारे हसन को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। एक दिन राजा मुस्तफा ने हसन को युद्ध के लिए भेज दिया और उस युद्ध में हसन वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यह बात सुनकर राजकुमारी बुआ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह सदमे में चली जाती है। बुआ ने उसी तालाब के पास ही हसन की कब्र भी बनवाई जहां दोनों पहली बार मिले थे। अब मैं आपको एक ऐसी कब्र दिखाने जा रही हूं जो बुआ ने हसन की याद में बनवाई थी। कुछ समय बाद बुआ ने भी हसन की याद में अपनी देह त्याग दी थी और उसकी कब्र भी, बुआ की कब्र भी हसन की कब्र के साथ बनवाई गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो कब्र है बुआ और हसन की। अब मैं आपको वो कब्र दिखाने जा रही हूँ जो बुआ ने हसन की याद में बनवाई थी। कुछ समय बाद हसन की याद में बुआ ने भी अपनी देह को त्याग दिया था जिसकी कब्र परिवार वालों ने हसन की कब्र के साथ ही बनवाई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो कब्र है बुआ और हसन की कब्र। और कुछ समय बाद बुआ भी हसन के गम में अपने प्राण त्याग देती है। फिर उसके बाद बुआ के परिजनों ने हसन की कब्र के साथ ही बुआ की कब्र बनवाई। बस यहीं पर बुआ और हसन के प्यार का अंत हो जाता है।
जैसा कि अब तक आपने देखा बुआ और हसन के प्यार की निशानी है ये कब्र, और ये जो किला है बुआ और हसन के प्यार की निशानी है। इसमें एक ख़ास बात और ये भी है कि यहाँ पर एक लव पॉइंट्स भी बनता है। यहाँ पर जो लव कपल्स हैं, जो प्रेमी जोड़े हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अपने नाम भी यहाँ पर लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेमी जोड़ों ने यहाँ दीवारों पर अपने नाम लिखे हुए हैं। झज्जर को ऐतिहासिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से पुराने किले भी हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बुआ हसन की कब्र और तालाब भी दिखाया, तो यहाँ पर इसे पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर घूमने आई हैं, इसे देखने आई हैं, इस इमारत को, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? गुरुग्राम। आप यहाँ पहली बार आए हैं? सेकेंड टाइम। आपने यहाँ क्या क्या देखा? मैंने यहाँ पे ऐतिहासिक जगह देखी और यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए अच्छा जगह है। यहाँ मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉलेज में यहाँ स्टडी करती हूँ और मैं यहाँ पे अक्सर आती रहती हूँ। तो इसमें आपने ऐसी क्या खास बात देखी? इंटरेस्टिंग प्लेस है। क्या क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे जो पुराने मोमेंट्स है वो देखे हैं, कैसे रहते होंगे वो थोड़ा इमेजिन करके देखा है कि उनकी लाइफ भी कितनी अच्छी होगी, जो उनका एंट्री गेट इतनी दूर है और रहने का प्लेस कहीं दूर है, और हमारे अब इस वे में देखा जाए तो एंट्री गेट और रूम बहुत पास पास होते हैं, तो पुराने के बहुत अच्छा है हमारे इससे। यहाँ पर बुआ हसन का तालाब भी है, वो आपने देखा? हाँ जी देखा है। क्या देखा उसमें? उसमें कहते कि एक बार लोग चले जाते हैं तो दोबारा नहीं आ सकता। आज भी झज्जर के लोग बुआ और हसन के प्यार के किस्से सुनाते हैं और प्रेमी जोड़े भी यहाँ पर आकर मिलते हैं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्किन से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं, यहाँ पर तालाब में नहाने के बाद वो बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। जो लोग हैं अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं, उन्हें नहलाते हैं और जो कपड़े होते हैं उनके वो यहाँ पर ही छोड़ कर जाते हैं और पुरानी बीमारियों से भी निजात पाते हैं। जानकारों की माने तो बुआ और हसन के इस ऐतिहासिक तालाब पर एक ऐसी मान्यता भी है कि जब किसी को फोड़े और फुंसी हो जाते हैं तो वह उस तालाब पर स्नान करके और अपने कपड़े वहां पर छोड़कर जाते हैं तो उनकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। प्यार की निशानी पर वैलेंटाइन डे के दिन यहां पर प्रेमी जोड़े अक्सर आते हैं और यहाँ पर अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम भी लिखते हैं। आज हम थे यहाँ झज्जर के पुराने किले पर, जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना किला है बुआ, जहाँ हमने आपको बुआ का तालाब भी दिखाया, बुआ और हसन की कब्र भी दिखाई, जो एक प्यार की निशानी है, प्यार का प्रतीक है। आज वैलेंटाइन डे भी है तो इसी वैलेंटाइन डे के अवसर पर ही हमने आपको ये प्यार की निशानी दिखाई, प्रेम के प्रतीक दिखाए। बहुत ही पुरानी इमारतें हैं ये, बहुत ही 380 साल पहले का इनका जो है उस टाइम मुगलों के शासन से इनका निर्माण था। आज भी लोग इसे यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, इसे दार्शनिक स्थल भी कह सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं इसे देखने के लिए और बहुत ही यहाँ पर प्यार की जो इसे निशानी भी माना जाता है, बुआ और हसन की कब्र को यहाँ भी लोग आते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर जो पुरानी इमारतें थी वो भी दिखाई और बुआ हसन का तालाब भी दिखाया। झज्जर से विजेंद्र मलिक के साथ मैं संजना चावड़ा, हर न्यूज़ हरियाणा।